भाजपा कार्यकर्ता किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता और आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर बुआना में जुलूस निकाला और तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। भाजपा के कार्यकर्ता पंचायत समिति परिसर में जमा हुए, जहां से जुलूस के रूप में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोकसभा सदस्य संतोष सहलावत, विधायक सुभाष पूनिया, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सतीश गजराज, रतन सिंह तंवर, जिला मंत्री भरत बोरा, सोमवीर लांबा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। भाजपा विधायक सुभाष पूनिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। राहुल गांधी ने 10 दिन में पूरा कर्ज माफ करने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दिशा में गंभीरतापूर्वक काम नहीं कर रहे। वहीं बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी कांग्रेस सरकार कोई कदम नहीं। जो ज्ञापन दिया गया है इसमें क्या क्या मांगे की गई है? आपको पहले कम कॉपी दे दें पूरी। एक तो किसानों की कर्ज माफी का जो इन्होंने की थी कि 10 दिन माफ कर दें, अभी तक तो इन्होंने कमेटी बनाई है और विधानसभा में भी ये जवाब देने से कतरा रहे थे। और एक बेरोजगारों को जो भत्ता, बेरोजगार भत्ता देने का इन्होंने किया था, उसमें भी ये फैल गए। और हम 8 तारीख को जिला मुख्यालय के ऊपर गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी। कितने लोगों की गिरफ्तारी देने का लक्ष्य रहेगा आपका? संख्या तो पार्टी बैठ के तय करेगी, लेकिन काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे हम 7 विधानसभाओं से काफी संख्या में किसान गिरफ्तारी।